ये तो रेवड़ी कल्चर को आज जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव मैदान में उतरती वो बहुत सारी एक घोषणाओं का और अपने जो घोषणा पत्र है उनमें बहुत सारी घोषणाओं का पटारा खोलती है और उसमें बजट का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे कोई भी स्टेट अगर घाटे का बजट है उसमें या कोई भी स्टेट अगर कर्जदार है उनको, तो इस प्रकार की बातों का मुझे लगता है ध्यान नहीं रखा जाता और केवल सिर्फ उनका राजनीतिक पार्टियों का मकसद ये होता है कि चुनाव जीतना। इसमें ना तो आम आदमी पार्टी कम है और ना कांग्रेस पार्टी कम है और ना ही भारतीय जनता पार्टी कम है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और दोनों जगह जो है पार्टियां जीत चुकी हैं और सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अब दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव किस ओर रुख कर रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है सतीश मेहरा जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए हैं उनका दिल्ली के चुनाव पर क्या असर हो सकता है। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, झारखंड में चुनाव हो गए, कई जगह उपचुनाव भी हुए हैं और उनके नतीजे आ गए हैं सबके। महाराष्ट्र में जैसे महायुति की जो सरकार है वो बनती नजर आ रही है, बन गई है सरकार और जल्दी ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, मुख्यमंत्री पे फैसला होना है उनका। इसके अलावा झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उन्होंने जीत हासिल की है। अब दिल्ली में चुनाव है, आने वाले 2 महीने तक चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो ये जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जो हुए हैं इनका दिल्ली के चुनाव पर क्या असर हो सकता है। देखिए राजेंद्र जी, इस साल जिन भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें और चाहे महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, तो जिन स्टेट में जिस पार्टी की सरकार थी और लगभग लगभग क्या सभी स्टेट ने ऐसा ही रिपीट किया है, जैसे जिस पार्टी की सरकार जैसे हरियाणा में थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी, महाराष्ट्र में रिपीट किया महायुति ने और अच्छे एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ उन्होंने रिपीट किया है। और इसी प्रकार से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जो झारखंड में उनकी सरकार थी और उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ रिपीट किया और मुझे लगता रिकॉर्ड एक मार्जिन से तीनों ही स्टेट में जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने रिपीट किया है। तो ये एक ट्रेंड है इस साल का मुझे लगता है। और जब फरवरी के फर्स्ट में या जनवरी के लास्ट में मुझे लगता है दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि फरवरी लास्ट तक उनको दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले निश्चित है चुनाव, उससे पहले इलेक्शन आयोग चुनाव करवाएगा और उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रेंड क्या होगा ये देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जैसे जिस हमने बात की कि जहां भी जिस भी स्टेट में जी बिल्कुल, इस बार तो मैं देखूंगा कि उपचुनाव भी जहां जहां हुए हैं वहां पे भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो बनता नजर आया। पंजाब की बात करूं तो आम आदमी पार्टी जो है वहां पे उसकी सत्ता है, वहां पे उसकी सरकार है, 4 में से 3 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी लेके गई है। हमें वही सीपी आ रहा था, जिस भी पार्टी की सरकार जिस स्टेट में रही है उस सरकारों ने रिपीट किया है। और यहाँ तक कि अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ जो उपचुनाव विधानसभाओं के उपचुनाव हुए उन विधानसभाओं में भी सिनेरियो एक वैसे ही यही सिनेरियो निकल के आया है कि जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ 4 में से 3 सीटें जीती हैं। और इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सारी की सारी सीटें वहां पे जीती हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, टीएमसी ने सारे के सारे पश्चिम बंगाल में सारे के सारे विधानसभा जो उपचुनाव थे वो जीते हैं। सभी जगह तकरीबन क्या सभी जगह यही निकल गया। जैसे यूपी की बात करते हैं, यूपी में 9 सीटों पर चुनाव थे, 7 सीटों पर जो एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का और 1 सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। तो ये ट्रेंड इस साल का ये ट्रेंड बढ़ता आ रहा है। और इसका एक मुख्य मेन कारण ये है कि जिस भी पार्टी की सरकार है वो सरकार कहीं ना कहीं एक घोषणाओं का एक पिटारा खोलती है, उनको बजट से
कोई लेना देना नहीं कि बजट कहाँ से आएगा, लेकिन उनका एक सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि चुनाव जीता जाए। जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, बात करते हैं महाराष्ट्र में अभी अभी 3-4 महीने पहले ही लाड़की बहना एक योजना उन्होंने शुरू की, जिससे जिससे लाखों लाखों महिलाओं को फायदा हुआ और वो महिलाओं का वोट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किए। इसी प्रकार जैसे झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कुछ ही दिन पहले मैया समान योजना लागू की, जिसमें 1,000 रुपये प्रति महीना महिलाओं के खाते में डाले गए, और उस योजना से भी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में की सरकार को फायदा हुआ और उन्होंने रिपीट किया जी। तो इसी तरह से जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में बहुत सी घोषणाएं की गई, संकल्प 2100 रुपये प्रति महीना जो महिलाओं के खाते में डालने की बात की, हालांकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन पिटारा एक खोल दिया गया चुनाव से पहले जी। 5 साल की सरकार है, 5 साल के लिए बनी है, तो कहीं भी कभी भी ये लागू कर सकते हैं। तो इन योजनाओं को कहीं ना कहीं इन योजनाओं की बात करके वोटर्स को अट्रैक्ट करने का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को, सभी सरकारों को जो पीछे सरकार रही है उनको फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे लगता है अब जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, इसमें जो अरविंद केजरीवाल हैं लीड कर रहे हैं, वो नेतृत्व वही कर रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री आतिश ही मार लेना है, और जो अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले भी बिजली और पानी फ्री और शिक्षा स्वास्थ्य पे काफी उन्होंने काम किया मुझे लगता है जी। और उन योजनाओं के साथ साथ मुझे लगता है कहीं की और भी इस तरह की जो लड़की बहन योजना है और जो मैया समान योजना, इस प्रकार की योजना मुझे लगता है लेके आएंगे। और तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो एक बार फिर से रिपीट मार सकती है अगर घोषणाओं का पिटारा खोल देती है तो? जैसे रिपीट की हम बात करते हैं तो जैसे इस तरह की योजनाएं अगर लेके आती है और उन योजनाओं को कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता स्वीकार करती है और उन योजनाओं के समर्थन में के पक्ष में अगर वोट देगी, तो निश्चित रूप से जो ट्रेंड है जिस स्टेट में पहले से जिस पार्टी की सरकार है वो मुझे लगता है रिपीट करने का एक ट्रेंड जो चला हुआ है वो दिल्ली में भी मुझे लगता है काम कर सकता है जी। अभी आपने बताया कि जैसे सरकारें क्या करती हैं, चुनाव से पहले घोषणाओं का एक पिटारा खोल देती है, जिसको रेवड़ी कल्चर का नाम दिया गया है। रेवड़ी कल्चर पर अरविंद केजरीवाल ने भी चर्चा शुरू किया दिल्ली में, क्या रेवड़ी कल्चर अगर यहाँ पे दिल्ली में भी शुरू होता है तो उसका फायदा जो है पॉलिटिकल पार्टियों को हो सकता है, अगर हो सकता है किस किस पार्टी को हो सकता है? देखिए, आपने रेवड़ी कल्चर की बात की, तो रेवड़ी कल्चर तो आज जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव मैदान में उतरती वो बहुत सारी एक घोषणाओं का और अपने जो घोषणा पत्र है उनमें बहुत सारी घोषणाओं का पिटारा खोलती है, और उसमें बजट का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे कोई भी स्टेट अगर घाटे का बजट है उसमें या कोई भी स्टेट अगर कर्जदार है उनको, तो इस प्रकार की बातों का मुझे लगता है ध्यान नहीं रखा जाता, और केवल और केवल सिर्फ उनका राजनीतिक पार्टियों का मकसद ये होता है कि चुनाव जीतना। इसमें ना तो आम आदमी पार्टी कम है और ना कांग्रेस पार्टी कम है और ना ही भारतीय जनता पार्टी कम है जी, क्योंकि आपने देखा है महाराष्ट्र में जो चुनाव से पहले बहुत सारे निर्णय, हजारों निर्णय लिए गए, एक ही मुझे लगता है एक ही जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें जी बहुत हाँ बहुत सारे हजारों की संख्या योजनाएं ऐसी थी जो संख्या में फाइल क्लियर की गई और जन कल्याण के से जुड़े हुए वो निर्णय लिए गए, उससे कहीं ना कहीं फायदा मिला। और 3 महीने पहले तो उन्होंने लाड़की बहना योजना जो शुरू की उसका तो आपके सबके सामने परिणाम है कि बिल्कुल बड़े अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई। जैसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की सरकार की बात करें, झारखंड में भी उनको फायदा मिला, तो ऐसे में मुझे लगता है ये भी इस तरह का जो अरविंद केजरीवाल है इस तरह की योजनाओं को कहीं कहीं घोषणा करने में लागू करने में पीछे नहीं रहेंगे, और ये सभी सरकारें ट्रेंड बन चुका है, ये पूरे देश में ट्रेंड बन चुका है कि तुरंत ही योजनाओं की घोषणा करो, तुरंत ही लोगों के खाते में पैसे डालो और उनको कैश करो ताकि उनका वोट उनके उस पार्टी और चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले आप घोषणाएं करो, रेवड़ियां बांटने की बात करो, यहाँ मुद्दे गौण होते जा रहे हैं जी।
जो इश्यूज थे, जो जनता से जुड़े असली इश्यूज, देश के विकास के लिए असली जो मुद्दे हैं, जो देश के डेवलपमेंट की बातें हैं, वो कहीं कहीं गौण होती जा रही जी। और सिर्फ जो चुनाव है वो कुछ समय पहले बड़ी बड़ी योजनाएं योजनाएं और उनको उनकी जो योजनाओं को कैश में तब्दील कर दिया जाता है और उनका फायदा उनको मिल जाता है। इस प्रकार से सारी की सारी, चाहे इसमें अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है, तो जैसे आपने इसकी बात की, एक तरह से ये ट्रेंड जो है फ्री में चीजें बांटने का, ये कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ। रेवड़ी कल्चर विशेष रूप से जो शुरू में जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो शिक्षा स्वास्थ्य की फ्री और बिजली देने की बात की थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको रेवड़ी रेवड़ी बताया था। और अभी फिर से जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली में, उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर एक चर्चा शुरू की है और मुझे लगता है वो चर्चा रेवड़ी के समर्थन में ही वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर पब्लिक को अगर सुविधाएं देना रेवड़ी है तो कहते हम देते रहेंगे जी। तो इसमें बजट का और जिसमें जो फाइनेंस बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम हरियाणा की ही बात करते हैं, हरियाणा में इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात हुई, इतना बड़ा पिटारा खुला, जबकि हरियाणा ऑलरेडी जो है एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ रहा है कि जो पिछला आर्थिक संकट है उससे कैसे बाहर निकले, एक नई योजनाओं को और पिटारा खोल दिया जाता है जिसका। हरियाणा पे तो कर्जा बढ़ा ही है, बाकी स्टेट पे भी कर्जा बढ़ा, लेकिन दिल्ली का जो बजट था वो सरप्लस बजट बताया जाता था जी, कुछ 14-15 हजार करोड़ का तो बजट था, सरप्लस था, वो दिल्ली में आय ज्यादा थी। और अब जो रेवड़ी कल्चर की हम बात करते हैं, जो इन्होंने योजनाएं शुरू की हैं, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, और जो महिलाओं को जो बसों में यात्रा फ्री की है, उससे कहीं कहीं जो जो बजट जो प्लस में था वो कहीं कहीं उसका जो बट ऑब्वियसली वो नीचे आया। जी 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 बिल्कुल नीचे आया। मुझे लगता है अब एक जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो अब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का जो बजट है, फाइनेंस जो पोजीशन है, वो सिर्फ 6,000+ करोड़ से ही प्लस में है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में उनका जो दिल्ली का बजट है वो भी घाटे का बजट होगा। इस प्रकार से अगर योजनाओं की रेवड़ी कल्चर में बदला जाता है तो क्योंकि लोगों को ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी, लोगों को फ्री भी देना पड़ेगा। हाँ, जो आप उनसे वादे करेंगे कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा करना होगा अगर आपको सत्ता में रिपीट करना है। घाटे का बजट आगे हो सकता है जी। और वहाँ पे जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात की और दूसरी पार्टियां, कोई इसमें पीछे नहीं रह रही। मेरा सर एक बड़ा अहम सवाल है कि इंडियन आइस की बात, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में इतनी सारी योजनाएं उन्होंने लागू की है, महिलाओं के जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट उनको दिया जा रहा है, और वहाँ पे 6-7 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की हवस में कह सकते हैं इनको, और अपने स्टेट का फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको मुझे लगता है दरकिनार करके घोषणाएं वोटर्स को लुभाने का काम कर रही है। ठीक है, ये तो बात रही पार्टियों की कहीं ना कहीं घोषणाएं करने की बात या कहूँ वोटर्स को लुभाने की बात, लेकिन एक मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडिया अलायंस की बात करते हैं या एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करूंगा उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही दल में है, एक ही तरफ है। चंडीगढ़ में इन्होंने मिलकर चुनाव भी लड़ा है और चुनाव जीता भी है, तो क्या दिल्ली में ये लोग गठबंधन के साथ आ सकते हैं, क्या लोग ये मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हरियाणा का जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोशिश की थी आम आदमी पार्टी ने कि चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि जो लोकसभा का चुनाव था वो इन्होंने मिलकर लड़ा था, एक लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी को दी थी कुरुक्षेत्र की, वो जो आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई। बट विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो उन्होंने फिर कोशिश की थी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और कहेंगे कांग्रेस हाई कमान से भी बात की थी, और इसमें कांग्रेस हाईकमान भी पक्षधर था इस बात का कि दोनों पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़े तो फायदा हो सकता है, और निश्चित रूप से अगर दोनों पार्टियां अगर मिलकर समीकरण कुछ और हो सकते थे, हरियाणा में चुनाव लड़ती तो उनको फायदा होता। तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कहीं कहीं मुझे लगता है कांग्रेस की हालत खस्ता है, और जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं चाहा था कि आम आदमी पार्टी उसके साथ विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े,
इसी प्रकार से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने समझौता नहीं किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बैठे वैसे भी एक ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीतने की, उसमें अपने आप को ये दिखाती है कि हम चुनाव दिल्ली में सरकार हमारी रिपीट कर सकती है, क्योंकि हमने लोगों के लिए जो घोषणाएं हैं और योजनाएं हैं वो लोगों के लाभ के लिए लागू की गई है। तो मुझे लगता है अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों को फायदा होगा, और अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इसमें इसमें कहीं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसलिए इससे इससे आम आदमी पार्टी की सीटें हैं जो जो पहले 2020 में उन्होंने 67 सीटें जीती थी जी, और वो कहीं कहीं उसका आंकड़ा छू पाना उनके लिए दूर की कौड़ी होगा और बहुत कम उनका मार्जिन रह सकता है। हालांकि सरकार कौन बनाएगा, क्या कैसे होगा, क्या स्थिति होगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से बहुत सारी सीटें कटेंगी आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो इन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फायदा होगा। अकेला अगर चुनाव अकेले चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका निश्चित रूप से फायदा होगा, और कहीं भारतीय जनता पार्टी जो का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से होगा, और ये चुनाव बाईपोलर हो सकता है। बाईपोलर चुनाव में कौन फायदेमंद होगा, कौन किसको नुकसान होगा, ये तो चुनाव में पता चल पाएगा। मेरे साहब, अभी आपने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में है, पर अब थोड़ा सा सिनेरियो बदला है। पिछले समय की बात करें तो एक लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के सत्ता पर आसीन रही है। केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता रहा है हमेशा दिल्ली में, और उसका फायदा भी हुआ आम आदमी पार्टी को, लेकिन इस बार जो है चेहरा बदल गया है। इस बार आक्षी मारेना जो है वो वहां पे मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी की। क्या आक्षी का चेहरा वो करिश्मा कर पाएगा जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा कर पाया? देखिए, जिस प्रकार से दो तीन तीन चुनाव पहले जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़े गए और निश्चित रूप से भारी उन्होंने जीत भी दर्ज की, और अब भी इस जो 2025 का विधानसभा दिल्ली का चुनाव होगा जी, वो भी निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और उन्होंने तो अपना एक चुनाव प्रचार करने के लिए अपने फ्री होके स्वतंत्र रूप से पार्टी की नीतियों का चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने रिजाइन किया था, और आरटीसी जो मारलेना की हम बात कर रहे हैं जो सीएम उनको बनाया गया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक अपने पक्ष में करने के लिए और अपने आप को फ्री रखने के लिए पार्टी के चुनाव की जो जाएगी पार्टी उसका एक प्रचार करने के लिए अपने आप को फ्री रखा है, और आरटीसी महिला है और पढ़ी लिखी है और मतलब युवा भी हैं, और इससे आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली में महिलाओं को उनके पक्ष में आम आदमी पार्टी के पक्ष में किया जा सकता है, उनको महिलाओं के वोटर्स महिला वोटर्स का फायदा दिल्ली में उनको मिल सकता है, युवाओं का फायदा मिल सकता है, और मतलब आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाने से कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को है ना फायदा मिलेगा। मतलब चेहरा इस बार भी चाहे आक्षी मारलेना का रहे, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी ऊपर या जो कमांड रहेगी वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में रहेगी। डेफिनेटली जो कमांड है, जो नेतृत्व है और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अरविंद अगर जो विपक्षी पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस पार्टी है, तो अगर वो कहीं ना कहीं उनको उनको खिलाफ अगर प्रचार करेंगी तो वो भी अरविंद केजरीवाल के को लेकर खिलाफ उनको खिलाफत करेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समय में जो भी नीतियां लागू हुई हैं वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई हैं, तो उनके विपक्षी पार्टियों के टारगेट पर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे और आम आदमी पार्टी का चेहरा भी अरविंद केजरीवाल होंगे। ये बात देखने वाली है कि अरविंद केजरीवाल इस समय तीसरी बार जो चौथी बार मुझे लगता है अपनी सरकार रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते जी। कहीं ना कहीं आप बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो विपक्षी पार्टियों के
टारगेट में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पर कुछ बड़े संगीन आरोप लगे और वो जेल में भी गए, तो क्या जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने उन आरोपों से बचने के लिए आतिशी को चेहरे को इस्तेमाल किया है? निश्चित रूप से पॉलिटिकल आदमी है, चुनाव सामने था और उन्होंने आतिशी को सामने करना, एक तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी है उनको आतिशी को टारगेट लेने में बनाने में उनको सोचना पड़ेगा। वो क्योंकि दूसरी पार्टियों के लोग जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो सीधा सीधा ये आरोप लगाएंगे कि महिला को टारगेट कर रहे हैं, महिला को मुख्यमंत्री, और साफ छवि है आतिशी की, वैसे महिला को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस के लोग हैं, तो इस एक ढाल बनाई के रूप में बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आतिशी जो मार्लेना मुख्यमंत्री है उनको एक ढाल के रूप में उनका प्रयोग करेंगे, महिलाओं को पक्ष उनके पक्ष में करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उनकी सरकार पर मुझे लगता है आरोप लगाने में बचेगा, तो इसलिए निश्चित रूप से आतिशी का तो फायदा फायदा होगा अरविंद केजरीवाल को। बाकी सरकार किसकी बनेगी, किसके पक्ष में चुनाव ज्यादा किस ओर जाएगा ये तो समय बताएगा। सो दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो दोनों जगह जो है सरकारें बन चुकी हैं और इसके बाद बहुत जल्द दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में कौन सी पार्टी जो है अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता पर आसीन होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये सब जानकारियों के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।